Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 15th July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. App पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे. So शुरू करते हैं आज के important current affairs. So आज का जो हमारा first question रहेगा and काफी important question रहेगा. Twitter has appointed whom as its resident grievance officer for India. तो finally Twitter द्वारा appoint कर दिया गया. एज पर द न्यू आई टी रूल्स जो भी ग्रीवेंस ऑफिसर होगा इंडिया का, इंडिया के जो रूल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग एज पर द न्यू आई टी रूल्स इंडिया का बेसिकली होना चाहिए. सो इस ट्विटर इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा, तो फाइनली ट्विटर द्वारा अपॉइंट कर दिया गया विनय प्रकाश. याद रखेगा नाम इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली ट्विटर, इससे पहले व्हाट्सएप द्वारा परेश बीलाल को अपॉइंट किया गया व्हाट्सएप ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया. उसके साथ साथ फेसबुक द्वारा स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया गया था. तो ये आपने याद रखने. एंड अभी हमारे न्यू मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है वो आपने याद रखना. इससे पहले हमारे रविशंकर प्रसाद थे, जो अभी वो बैटल काफ़ी बड़ी बैटल चल रही थी बिटवीन ट्विटर एंड इंडिया. सो वो बैटल वही उसे देख रहे थे. बट नाउ अब न्यू हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हुए अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं अश्विनी वैष्णव. वो आपने ज़रूर याद रखना है. ओके, सो विनय प्रकाश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ऑलराउंडर महमूदुल्ला हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. तो टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए. तो आपको बताने की कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे. ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री. सो ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश आपने याद रखना. एंड लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन तीन ट्रेन चलती हैं. कौन कौन सी तीन ट्रेन हैं? अभी रिसेंटली मिताली एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है, उससे पहले बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस. तो ये तीनों ट्रेन का नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. एंड बांग्लादेश के आपको याद होगा मुशफिकुर रहीम को मे मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था. वो आप ज़रूर याद रख लें. एंड अभी रिसेंटली जून मंथ के भी चुने जा चुके डेविड कॉनवे चुने गए, वो अपने याद रखने हैं. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल ए फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस. तो इसमें बेसिकली जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं बिटवीन द एनिमल्स, बिटवीन द वाइल्ड लाइफ, बिटवीन द ह्यूमंस, तो इस तरीके का एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल रखा गया फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस. आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड फंड ने किसके साथ मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया. सो द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नारोबी कीनिया में. ओके, नारोबी कीनिया में, वो अपने याद रखना. इंजर एंडरसन इसकी डायरेक्टर जनरल है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की. एंड वहीं अगर बात की जाए आपसे वर्ल्ड वाइड फंड की, अगर बात की जाए ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसकी हेडक्वार्टर्स हैं. एंड माइक्रो लैम्बर्टिनी इसकी डायरेक्टर जनरल है, ये आपने याद रखना है. बाकी इसमें WHO है, WHO के बारे में तो आप लोग जानते हो, स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. एंड इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम. एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आप जानते हो, इटली में रोम, इटली की कैपिटल रोम में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे. क्यो डोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम HM स्टेनर इसके डायरेक्टर जनरल हैं. एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं फिर. यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट इन विच इंडियन सिटी. तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी द्वारा, ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नागपुर. नागपुर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा. ओके, जहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है नितिन गडकरी की. ओके, एंड नितिन गडकरी इससे पहले मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज भी थे. नाउ ये हैं, इनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बिकेम द ओनली इंडियन एक्टर अमंग 395 न्यू इन्वाइटीज टू जॉइन द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस फॉर द ईयर 2021. सो ओनली इंडियन एक्ट्रेस जो बनी, हर नेम इज़ विद्या बालन. विद्या बालन से आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, ऑफकोर्स याद आ रहा होगा, गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा गया. गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रखा गया. ओके, वो आपने याद रखना है. एंड इसके साथ साथ दो और पर्सनैलिटीज़ हैं, एक एकता कपूर एंड एक शोभा कपूर, इनको भी इसमें इन्वाइट किया गया. बेसिकली मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो भी ऑस्कर गवर्निंग बॉडी रहती है, जो भी वोट्स वगैरह पढ़ते हैं फॉर द मूवीज़, फॉर द बेस्ट ऑस्कर मूवी जो भी रहता है, तो उसमें वोट डालने के लिए इन्हें एलिजिबल किया गया. एंड ये तीन हैं इंडिया की तरफ से
ये विद्या बालन, एकता कपूर एंड शोभा कपूर, ओके। तो ये आप यहाँ याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी केम अप इन विच इंडियन सिटी। तो काफ़ी टाइम से इस पर चर्चा चल रही थी, काफ़ी बार रिवाइज भी करवाया, सो ये कहाँ पे आएगा फाइनली। सो करेक्ट आंसर इज पटना। पटना में इंडिया का फर्स्ट, नॉट ओनली इंडिया का, एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन होगा पटना में, ओके। विच विल केम अप ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन द प्रीमिसिस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ये आप याद रखें। एंड यू नो एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, क्या आप मुझे बता सकते हो एशिया का सबसे बड़ा रिवर? कमेंट डाउन। एंड देखा जाए अगर डॉल्फिन की बात की जाए तो इसे डिक्लेयर एंडेंजर्ड एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया, ये आप याद रखें, ओके। एंड कमेंट डाउन एशिया का सबसे बड़ा रिवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिमनास्टिक कंपिटिशन फॉर ओलंपिक गेम्स। सो जिमनास्ट की कंपटीशन का जो भी रहेगा उसमें एज ए जज ये रहेंगे एंड फर्स्ट इंडियन बने, इनका नाम है दीपक कोबरा। एंड हाँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, देखो आजकल स्टार्टिंग के मैं पोर्शन इंक्लूड नहीं कर रहा, इसका क्या रीज़न है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, 15 स्पेशल क्लासेस जो मैंने स्टार्ट की हैं। एंड 2021 के करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उन स्पेशल क्लासेस में मैं आपके कवर करवा रहा हूँ। 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे वीडियोस? यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आपको कैसे ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, काफ़ी अराउंड 400 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी अगर इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन, एंड ये कहूँगा कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है वहीं उसे ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी जो भी इन्फो रहेगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। एंड 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ओके। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, एंड अगेन वही कहूँगा जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही ज्वाइन कीजिएगा, ओके। साजन प्रकाश आपको याद होगा, फर्स्ट इंडियन स्विमर जो बने थे, जिनको लाइक जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। एंड एम जे जबीर, ये भी लाइक नेवी के हैं, तो इन्होंने भी लाइक क्वालिफाई किया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकेम नेपाली प्राइम मिनिस्टर, लाइक नेपाल के 5वीं टाइम प्रधानमंत्री बने, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के, तो इनका नाम है शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देबुआ बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ओके। 5th टाइम बने हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने 1995 से 97 तक, देन उसके बाद जून 2001 से अक्टूबर 2002 तक, देन उसके बाद फरवरी 2004 एंड 2005 तक, देन उसके बाद 2017 से लेकर फरवरी 2018 तक, नाउ फिर से बन चुके हैं 5वें टाइम प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो आपने याद रखना है विद्या देवी भंडारी जो प्रेजिडेंट है नेपाल की, वो आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन विच इंडियन सिटी। तो इसका उद्घाटन किया है जी हमारे अमित शाह ने गांधीनगर में, ओके। अब बेसिकली ये करेगा क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड नेशनल फॉरेंसिक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ये क्या करेगा? दिस विल हेल्प इन रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड नारकोटिक्स सीज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स रूट्स। तो उनको उन पर रिसर्च एंड उनके एनालिसिस में हेल्प करने का ये फॉरेंसिक लैब जो ओपन हुआ है हमारे लाइक गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा पास्ड अवे, तो ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो किस स्पोर्ट से रिलेट करते थे? 1983 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उसके लाइक टीम के ये मेंबर थे, ओके। तो इनका निधन हो गया, ही वॉज रिलेटेड टू क्रिकेट। सो आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ये आपने बताना है, द इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड ए वार मेमोरियल डेडिकेटेड टू कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, विच ऑपरेशन इन जे एंड के 1999। तो ये अलॉन्ग द एलओ सीन जम्मू एंड कश्मीर इन गुलमर्ग, वहाँ पे इसको लाइक इस वॉर मेमोरियल को ओपन किया है हमारी इंडियन आर्मी द्वारा। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये कौन से ऑपरेशन के साथ ये रिलेट करते थे, ये ऑप्शंस को देख के आपने बताना है इसका आंसर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस डे, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो कुछ दिनों के लिए स्किप है, बिकॉज वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लाइक रिविज़न तो ऑलरेडी मैं आपका करवा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता सारी चीज़ों को इंक्लूड करना। बट इतना कहूँगा कि वहाँ भी आप ज़रूर एक बार आइए एंड काफ़ी आपको बेटर लगने वाला है। एंड करंट अफेयर सेक्शन 2021 में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले आफ्टर वॉचिंग डेट क्लासेस। 3 क्लासेस हो चुकी हैं एंड काफ़ी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो क्लासेस लाइव रहती हैं
लाइक इंट्रैक्शन रहता है हमारा फेस टू फेस, तो वो आप लाइन अगर लाइव ज़्यादा बेटर है ज्वाइन करें। 10 बजे क्लास होती है, तो बाकी 3 क्लासेस हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास कब होगी आपको ज्वाइन करने के बाद पता चल जाएगा। सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर, सी यू सून, एंड इसका आंसर आप ज़रूर बताएं।